नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या, पीरियड्स अधिक आना या कम आना, कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, कई बार ब्लीडिंग कम होती है, इस तरह के अनेकों प्रकार की समस्याएं एक महिला के जीवन में लगी रहती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज या फाइब्रॉइड हो जाना, वाइड डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, योनि से सफ़ेद पानी निरंतर बहता रहता है जिससे उसके कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है और स्पाइन वीक पड़ जाती है, कैल्शियम कम होने लगता है बॉडी के अंदर, तो इन सभी समस्याओं का समाधान आज मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। आप बहुत सारी दवाइयाँ खा चुके हैं, तरह तरह के टेस्टों से आप गुजर चुके हैं, लेकिन समाधान आपके पास यदि नहीं है तो आप इस वीडियो में बताए गए उपायों को आप ज़रूर करें, पूरे विश्वास से करेंगे, क्योंकि जब आपका बिलीव सिस्टम काम करने लगता है तो आपकी बॉडी में कोई रोग नहीं रह सकता। तो पूरे बिलीव से करें, अपने विश्वास के साथ जब आप इन योग के अभ्यासों करेंगे, और कुछ जो आयुर्वेद में बहुत ही सरल उपाय हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताऊँगा। तो सबसे पहले हम कुछ आसनों को देखते हैं और प्राणायाम को की बात करते हैं। पहले तो प्राणायाम में हम चंद्रभेदी प्राणायाम, ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। आपके हार्मोन इनबैलेंस हैं तो ये बैलेंस करता है, ये प्राणायाम आपके हार्मोन्स को और आपकी मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को ठीक करता है। आपकी बॉडी में पसीना अधिक आता है, पैरों के तलवों में जलन रहती है, या डिस्चार्ज बहुत अधिक होता है, आपको ब्लीडिंग बहुत अधिक होती है, तो आप चंद्रभेदी का अभ्यास करें। चंद्रभेदी कैसे करेंगे? आप पहले प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, अपने फर्स्ट और सेकंड फिंगर को इस प्रकार से अंगूठे के बेस में टच करें। जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम मुद्रा में ही अभ्यास करेंगे, तो उसका लाभ आपको अधिक मिलेगा। अपने राइट नोस्टल को हम इसमें बंद करेंगे, इस प्रकार से लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को अंदर लेंगे, श्वास को अंदर ही रोके और जालंधर बंद, गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं, चिन्ह को अपने कंठ से टच करते तो ये जालंधर बंद लग जाता है, और मूल बंद एनस भाग को ऊपर की ओर खींच लीजिए, अपनी मूत्र इंद्रियों को ऊपर की ओर खींच लीजिए तो मूल बंद लगता है। ये दोनों बंद लगाएंगे हम इसमें, फिर जालंधर बंद हटाएं, धीरे से श्वास को राइट नोस्टल से अपने दाएं नासिका छिद्र से बाहर छोड़ दीजिए। श्वास छोड़ने के बाद फिर से अपने दाएं को बंद करें, दाएं नोस्टल को, और लेफ्ट से श्वास को धीरे धीरे अंदर लें। महसूस करते हुए पूरा श्वास, फिर बंद लगाएं, दोनों बंद, श्वास को अंदर महसूस करो, उसकी ठंडकता को महसूस करो, बंद हटाएं, श्वास बाहर छोड़ें। इस प्रकार से आपको चंद्रभेदी का अभ्यास करना है। 5 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि ब्लीडिंग बहुत अधिक आपको हो रही है तो आप इसके अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो आपको बहुत शीघ्र लाभ होगा। चंद्रभेदी में हमारी जो इंडा नाड़ी है बॉडी के अंदर, जो बॉडी के तापक्रम को बैलेंस करती है, शीतलता देती है हमारी बॉडी में, वो नाड़ी हमारी एक्टिवेट हो जाती है और हॉर्मोन्स संतुलन में आने लगते हैं, बॉडी में पीएच बैलेंस होने लगता है इस अभ्यास को करने से। दूसरा अभ्यास बाह्य वृत्ति प्राणायाम। बाह्य वृत्ति प्राणायाम किस प्रकार से करेंगे, आप ध्यान से देखें, श्वास को एक बार अंदर लें, बाहर छोड़ें, 3 बंद लगाएंगे, जालंधर बंद, उद्यान बंद भी लगेगा इसमें, पेट को अंदर खींचेंगे, तीसरा बंद मूल बंद, एनस भाग को ऊपर की ओर खींच लीजिए, अपने मूत्र इंद्रियों को ऊपर की ओर संकुचित करना है, तो रोक कर रखेंगे श्वास को बाहर, जितना देर रोक सकते हैं आप, यथाशक्ति अपने क्षमता के अनुसार ही श्वास को रोकेंगे। पूरा यूट्रस के भाग पर एक दबाव पड़ता है इसका अभ्यास करने से, उसमें एक संकुचन उत्पन्न होता है जिससे ब्लड का फ्लो बढ़ने लगता है, आपका लीवर और आपका स्प्लीन ठीक से काम करने लगता है जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। कई बार अधिक ब्लीडिंग होने से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है,
कमजोरी आने लगती है, आयरन की मात्रा कम हो जाती है, आपका डाइजेशन कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है। तो इस अभ्यास को यदि आप करेंगे तो आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक होगी, आपका यूट्रस ठीक से काम करेगा और हार्मोन बैलेंस होंगे आपकी बॉडी में। इससे अंगों में शक्ति आती है, पुष्टता आती है अंगों में बाह्य वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करने से। ये बहुत ही ऑथेंटिक प्राणायाम है, महर्षि पतंजलि द्वारा बताया हुआ प्राणायाम है, तो आप इसका अभ्यास जरूर करें। इसे 7 बार से प्रारंभ करके आप 15-20 बार तक कर सकते हैं, जितना आपकी क्षमता है। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं, एकदम से पहले दिन ही आप अधिक करने का प्रयास न करें। 2 आपने प्राणायाम देखे, अब आप 1 योग का आसन देखिए, इसे कहते हैं कंद्रासन। कंद्रासन कैसे करेंगे? कंद्रासन के लिए आप लेट जाएं इस प्रकार से, दोनों नीज को बेंड करेंगे, एड़ियों को अपने हिप्स के पास ले आए, दोनों हाथों से अपने पैरों के एड़ियों को पकड़े इस प्रकार से, श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स के भाग को ऊपर उठाएं, इतना ऊपर उठाएं कि आपकी चेस्ट चिन से टच हो जाए। श्वास अंदर, आंखें बंद कर लें, पूरा ध्यान अपने यूट्रस के भाग पर केंद्रित करते हुए होल्ड करेंगे कुछ समय, जितना आप रोक सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना भी आप अपने क्षमता से रोकें, फिर वापस नीचे आ जाएं श्वास छोड़ते हुए। फिर से इसी अभ्यास को करें जो है, तो ये आप लगभग 5 बार कम से कम जरूर करें इस अभ्यास को, कंद्रासन। तो 5 बार आप कंद्रासन करें, चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें, बाह्य वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करें, और साथ में आप कुछ आयुर्वेद के उपाय जरूर आजमाएं। आयुर्वेद में आप अशोक की छाल, अशोक का वृक्ष होता है, उसकी छाल आपको मार्केट से मिल जाएगी, आप उसको पाउडर कर लें, या पाउडर भी कई बार मिल जाती है, तो साबुत मिले तो अच्छा है, उसको आप घर में पाउडर कर लें, तो पाउडर करके आप उसको रख लीजिए। आप कहीं से भी 5 से 7 पत्ते पीपल के ले लें, और शीशम का वृक्ष सड़कों के किनारे बहुत रहता है, जिसको नहीं पता वो किसी से पूछ लें, गूगल से जाके देखें कि शीशम के क्या पहचान है, आप उससे लगभग 15 से 20 पत्ते शीशम के आप लें, और शीशम और पीपल के पत्तों का रस निकाल लें, इसको एक जगह मिक्स कर लें। अशोक की छाल 1 चम्मच आप भिगो दीजिए पानी में, लगभग 10-12 घंटे पहले भिगोएं, उसी पीपल के पत्ते का रस, शीशम के पत्ते का रस जो आपने निकाला है, उसको उसी में मिक्स कर दें अशोक की छाल के रस में, और थोड़ी मिश्री मिला लीजिए, 1 चम्मच 2 चम्मच अपने स्वाद अनुसार आप मिला सकते हैं। मिश्री शीतल भी होती है, पित्त का भी शमन करती है, तो इसे आप सुबह खाली पेट जरूर पी लें एक बार, और एक बार इसी प्रकार से आप शाम को भी आप पी सकते हैं। तो दोनों समय आप अशोक की छाल को भिगोकर शीशम और जो पीपल के पत्तों का रस है उसे मिक्स करके आप मिश्री डाल के ज़रूर पिए। साथ में ये प्राणायाम का अभ्यास करें तो आप देखेंगे आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम मात्र 15 से 20 दिन में आप पूरी तरह से इससे मुक्ति पाते हैं। आपने चाहे कितनी भी दवाइयाँ प्रयोग की हैं, लेकिन ये मेरा अनुभव है, तो आप इसका प्रयोग करें, और जो मैंने योग के अभ्यास बताए इनको करें, पूरे विश्वास से करें। देखिए, जो तमाम तरह के जो दूसरे ट्रीटमेंट्स आप कराते हैं, आप हार्मोन थेरेपी पे ले जाते हैं, उससे कई उससे वेट बढ़ जाता है, उससे आपकी बॉडी में कई तरह के दूसरे दुष्प्रभाव आते हैं, तो आप पहले इन अभ्यासों करें, इन उपायों को अपनाएं जो नेचुरल हैं, जिसका कोई नुकसान नहीं है बॉडी में, तो आप पाएंगे कि एक अच्छा स्वास्थ्य, आपका जो मासिक धर्म से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, YouTube चैनल पर भी आप योग गुरु राजेश सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।